हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सभी का इस मस्ती के पाठशाला में जिसका नाम है आर्ट अटैक। ये शो देखकर आप सीख सकते हैं ढेर सारी अनोखी और मजेदार चीजें बनाना। और ये शो देखकर आप ये भी जान जाएंगे कि एक बढ़िया कलाकार बनने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देर किस बात की, देखते हैं कि आज के शो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। एक स्वादिष्ट यानी टेस्टी डिश यमी, आकर्षक रंगों से बना एक विशाल ड्राइंग जो तैयार है उड़ने के लिए, और एक सीक्रेट आइडिया जिसके इस्तेमाल से आपके ड्राइंग आदिमानव के जमाने के दिखेंगे, और कुछ खास आइडियाज जिनसे मिलेगा आपके घर के पौधों को एक प्यारा दोस्त, और हमारे आर्ट अटैक के पर्यावरण प्रेमी और विशेषज्ञ नारियल अन्ना की विशेष और कीमती सलाह। खुशबू आ रही है वो भी गर्मा गर्म आटे और चीज की, लेकिन आर्ट अटैक में किचन तो है ही नहीं। खुशबू से तो मेरे पेट में अब चूहे भी दौड़ने लगे हैं। लेकिन ये खुशबू है किस चीज की? अरे ये तो है पिज्जा, कितना ताजा और गर्मा गर्म है ना ये। और सबसे खास बात बताऊं, ये बनाए खेलने वाले आटे से यानी क्ले से, और आप मन चाहे टॉपिंग इसमें लगा सकते हैं। अगर मुझे टमाटर पसंद नहीं है तो टमाटर हटा के कोई और भी टॉपिंग लगा सकता हूँ। तो दोस्तों देर किस बात की है, मम्मी से बेलन मांगिए और लग जाइए काम पर। सबसे पहले बनाएंगे हम प्लेट। प्लेट बनाने के लिए सबसे पहले टेबल पर एक पेपर रख दीजिए ताकि क्ले टेबल से ना चिपके, और अब बेलन की मदद से इसे इस तरह फैलाना शुरू कीजिए। अब हम बनाएंगे आर्ट अटैक की स्पेशल कंपास। उसके लिए कार्डबोर्ड की एक छोटी सी पट्टी ले लीजिए और उसे बीच में रखकर पेंसिल की नोक से उसका अक्ष यानी एक्सिस बना लें। अब दूसरी पेंसिल लीजिए और उससे इस पट्टी की दूसरी ओर होल करके इसे ऐसे गोल घुमाना शुरू कीजिए। अब आखिर में आइसक्रीम कैंडी की पट्टी से इस गोल प्लेट को कट कर ली। अब बचा हुआ एक्स्ट्रा क्ले इसके आसपास से हटा दीजिए। इस तरह आपको मिलेगी एक परफेक्ट प्लेट। अब एक दूसरे पेपर पे बचा हुआ आटा यानी क्ले रख दीजिए। और उसे भी बेलन से फैला दीजिए। अब एक रूलर लीजिए और उसे इस तरह इस पर रखिए, और आइसक्रीम कैंडी की पट्टी से ऊपर से बहुत सारी धारियां यानी स्ट्रिप्स बनाइए, बिल्कुल ऐसी। वेरी गुड, अब उन्हें निकाल लीजिए। अगला स्टेप, एक बोल में थोड़ा सा क्ले और बहुत सारा पानी लेकर अच्छी तरह मिला लीजिए। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब एक ब्रश से इसे पूरी प्लेट के किनारे पर लगा दीजिए ताकि वो थोड़ी चिपचिपी हो जाए। अब जो धारियां आपने काटी थी उन्हें इसके बॉर्डर पर चिपका दीजिए। इस तरह बनेगा आपकी प्लेट का किनारा। हाँ, इसके लिए बहुत सारा पानी इस्तेमाल कीजिए ताकि ये अच्छी तरह जुड़ जाए। आखिर में आइसक्रीम स्टिक से सारे जॉइंट्स जोड़ दीजिए और उंगलियों से स्मूथ कर दीजिए। परफेक्ट। वाह, ये प्लेट तो बहुत ही बढ़िया बन गई। अब हमें बनाना है पिज्जा जो इस प्लेट से थोड़ा सा छोटा होगा ताकि वो इसमें आसानी से फिट हो सके। तो पिज्जा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फिर से हमारे आर्ट अटैक कंपास का। तो अब एक निशान लगाइए ठीक ऐसे। अब बस पहले की ही तरह थोड़ा और क्ले फैला लीजिए और कंपास से सर्कल कट कीजिए। अब रूलर लीजिए और पट्टी से इसके स्लाइस बनाइए। इसके लिए आपको बस एक साइड से दूसरी साइड तक लाइन खींचनी है। अरे वाह, अब तो आप अपनी खुद की पिज्जा शॉप भी खोल सकते हैं। अब अलग अलग साइज के ढक्कनों से आप अपने पिज्जा पर उन जगह पर निशान लगाइए जहां आप ये टॉपिंग रखने वाले हैं। अब एक चम्मच लीजिए और उन निशानों में से क्ले निकाल लीजिए ताकि उसमें ये टॉपिंग्स आसानी से फिट हो सके। अपनी उंगलियों से इसके बॉर्डर्स को स्मूथ बनाइए। अब बॉटल्स के कुछ ढक्कन लीजिए, कुछ बड़े और कुछ उनसे छोटे। अब बचा हुआ क्ले भी फैला लीजिए और उस पर इन बोतलों का ढक्कन को प्रेस करके छोटे छोटे गोले बना लीजिए। ये होगी आपकी पिज्जा की टॉपिंग्स। अब उन्हें पट्टी से कट कर लीजिए
आप जितने चाहें उतने गोले बना सकते हैं ताकि आपका पिज्जा एकदम असली लगे। हमारे पिज्जा के सारे टुकड़े सूख चुके हैं और पेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले चेक कर लीजिए कि पिज्जा के अंदर जो खांचे बने हैं उसमें टॉपिंग फिट होते हैं कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं, ये इधर और ये इधर फिट हो रहा है। पर आप पहचानेंगे कैसे कि इसमें टमाटर कौन सा है, मशरूम कौन सा है और ऑलिव कौन सा है? तो उसके लिए हमें इसे पेंट करना जरूरी है। मैं अब इस प्लेट को नीले रंग से पेंट करूंगा, पर आप अपने पसंदीदा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पिज्जा की डिटेल्स यानी बारीकियां ड्रॉ कीजिए ताकि इसके अलग अलग पार्ट्स नजर आए। यहाँ पर हम बनाएंगे टमाटो सॉस से इसका किनारा और यहाँ से शुरू होता है चीज वाला हिस्सा। वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अब हम इसके सारे हिस्सों को पेंट करेंगे। टोमेटो सॉस को देंगे लाल रंग और चीज को देंगे पीला रंग। अब जैसे ही चीज सूख जाएगा, हम एक पतले ब्रश से इस पर छोटे छोटे हरे रंग के डॉट्स बनाएंगे ताकि सबको ऐसा लगे जैसे ढेर सारा ओरिगानो इस्तेमाल किया है। अब हम ब्लैक मार्कर से अच्छी तरह इसका बॉर्डर बनाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी लगे। अब टॉपिंग वाला एक छोटा गोला लीजिए और उस पर सफेद रंग से एक मशरूम ड्रॉ कीजिए और उसके बैकग्राउंड को दीजिए पीला रंग ताकि वो पूरी तरह चीज में धंसा हुआ लगे। अब इसे ब्लैक मार्कर से फाइन टच दीजिए। वेरी गुड, और हमारा गर्मा गर्म पिज्जा है तैयार, वो भी बिना ओवन के। देखिए इन हरे ऑलिव्स को मैंने कैसे पेंट किया है। इसके बीच में दिया एक लाल डॉट ताकि लगे कि ये लाल मिर्च से भरे हुए हैं। और इन टमाटर को तो देखिए, लग रहे ना एकदम रसीले। क्या आपको मसालेदार पिज्जा पसंद नहीं है? तो कदरदान मेहरबान पहलवान, आपके लिए पेश है एक मीठा केक। इसमें है ढेर सारी कैंडीज और स्ट्रॉबेरीज, है ना ये सुंदर। और आपके लिए मैंने बनाया स्पेशल बर्थडे केक, ये देखिए। इसमें है ढेर सारी कैंडल्स। इन कैंडल्स को मैंने बनाया है क्ले को हाथ के बीच ऐसे रोल करके। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अब आप भी अपने मनपसंद डिशेस बनाइए। पर उससे पहले नारियल अन्ना आपको बताएंगे इन्हें बनाने का तरीका एक बार फिर। नमस्कार दोस्तों, आर्ट अटैक का कुक नारियल अन्ना हाजिर है। आज मैं आपको पिज्जा बनाना सिखाएगी। सबसे पहले प्लेट बनाने के लिए प्ले को बेलन से एक डोसे की तरह फैला ले और उस पर आर्ट अटैक कंपास से एक सर्कल बना ले और उस सर्कल को लकड़ी की पट्टी से काट ले। बचे हुए क्ले को फैला कर उस पर रूलर से कुछ पट्टियां बनाकर काट ले। अब एक बोल में क्ले और पानी मिलाएं और उससे प्लेट की बॉर्डर को ब्रश से लगाएं और कटी हुई पट्टियों को इसकी बॉर्डर पर चिपका कर प्लेट के किनारे बनाएं। अब पिज्जा बनाने के लिए फिर से बेलन से क्ले को फैलाएं और आर्ट अटैक कंपास से प्लेट से छोटा सर्कल बनाएं। अब रूलर की मदद से पिज्जा के स्लाइस बना लें। बोतल के ढक्कनों को क्ले पर दबाकर पिज्जा टॉपिंग्स बनाएं, फिर उसे काटें और फिर चम्मच से क्ले निकालकर वहां एक छोटा सा होल बनाएं। उसके बाद ढक्कनों से पिज्जा पर वहां निशान लगाएं जहां आप इन टॉपिंग्स को रखने वाले हैं। अब इसे आराम से सूखने दीजिए। सूखने के बाद आप इसकी सारी डिटेल्स ड्रॉ कर लीजिए। प्लेट को आप कोई भी रंग दे सकते हैं। पिज्जा को आप लाइट ब्राउन रंग दीजिए, चीज को पीला और टमाटर को लाल और अजवाइन को आप दीजिए हरा रंग। और सबसे आखिर में, मतलब एंड में, आप कलर कीजिए इसकी टॉपिंग्स को। बात तैयार हो गया हमारा टेस्टी पिज्जा। मुझे तो ये मशरूम पिज्जा बहुत पसंद है। आपको पता है इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इसे बनाने के लिए ना ही पेड़ों की डालियां जलानी पड़ी और ना ही ओवन का इस्तेमाल करना पड़ा। जरूरत पड़ी तो सिर्फ आसपास की चीजों की। अरे भाई, मुझे तो जू में जाना बहुत पसंद है और कुछ लोगों को तो लगता है कि मैं वहीं से आया हूँ। अपना एलेक्स है ना, उसे भी जू में जाना बहुत पसंद है।
एक बार वो जू में अपने डिजिटल कैमरे से जानवरों की फोटो खींच रहा था, तभी अचानक से उसके कैमरे की बैटरी डाउन हो गई। लेकिन उस वक्त उसने मूड खराब नहीं किया, बल्कि उसने वहां पर एक अनोखी और बड़ी सी चीज बनाना शुरू किया, जिसमें उसने इन काले चम्मचों का भी इस्तेमाल किया। अब ध्यान से देखिए और बताइए कि इसने उन्हें कहां और कैसे इस्तेमाल किया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एलेक्स कर क्या रहा है। खूबसूरत होता है। अंग्रेजी में इसे टूकन पक्षी कहते हैं। और आपको क्या पता लगा कि एलेक्स ने काले चम्मचों को कैसे इस्तेमाल किया? तो चलिए देखते हैं। एलेक्स जू के रेस्टोरेंट में गया और वहां के टेबल्स पर ये चम्मच देखे। अरे ये क्या, वो ये सारे चम्मच क्यों ले रहा है? ओ, वो तो इनसे कुछ बना रहा है। ये तो इस तोते के पंख है। कमाल कर दिया एलेक्स। एलेक्स, अगर अगली बार जू में जाओ तो कैमरे की एक्स्ट्रा बैटरी ले जाना मत भूलना। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पेंटिंग ऐसी लगे जैसे वो केवमैन यानी आदि मानव की गुफाओं से आई हो?
आज मैं आपको सिखाऊंगा आदिमानव जैसे पेंटिंग करने का तरीका, जिसे बना के आपको लगेगा आप खुद ही आदिमानव हो जो गुफा के अंदर बैठ के पेंटिंग बना रहा है। लेकिन आप आदिमानव की तरह जानवर और शिकार की तस्वीर नहीं बनाओगे, बल्कि आप बनाओगे तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक कार्डबोर्ड पर एक डबल बेस गिटार का शेप बना लीजिए। डबल बेस गिटार का शेप बिल्कुल वायलिन की तरह होता है, लेकिन उसका साइज बहुत बड़ा होता है और उसे जमीन पर खड़ा करके बजाया जाता है। इसे ऐसे सिंपल लाइन से बनाइए, ऐसे आपको इसे काटना होगा। और हाँ, इसके तार बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब एक दूसरे कार्डबोर्ड पर एक सैक्सोफोन ड्रॉ कीजिए। कौन सा फोन? सैक्सोफोन भाई, गलती से टेलीफोन मत बना देना। अगर आपको सैक्सोफोन का शेप याद नहीं तो आप किसी किताब में से भी देखकर बना सकते हैं। अब ड्रॉइंग्स को काट लीजिए और आपको ये चार आकार मिल जाएंगे। आपको पता है, आदिमानव के पास ड्रॉइंग्स बनाने के लिए हमारी तरह एक्रिलिक या वाटर कलर्स नहीं होते थे, लेकिन वो फिर भी नेचुरल कलर्स को लेकर अपनी पेंटिंग बना लिया करते थे। इसीलिए तो उनकी पेंटिंग्स में मिट्टी, गेरू, नारंगी और लाल कलर ज्यादा होते हैं। तो हम भी इन्हीं रंगों का इस्तेमाल करेंगे। अब काटे हुए सैक्सोफोन के आकार को एक बड़े कार्डबोर्ड के बीच में रख दीजिए। अब पुराने टूथब्रश को यहाँ रखे इस रंग में डुबोइए और उसके ब्रिसल्स को इस तरह चलाइए ताकि उसमें से रंग स्प्रे की तरह निकले, बिल्कुल ऐसे। देखा? इसके बाद एक पूरे कार को रखिए और इसी तरीके से दूसरे रंग से स्प्रे कीजिए। अब इस पर डबल बेस गिटार का शेप भी रख दीजिए। आप इसके चारों ओर पेपर्स भी रख सकते हैं ताकि ये किसी फ्रेम जैसा लगे। अब ध्यान रख के पेपर के टुकड़े निकाल लीजिए। अब अपना खुद का डिजाइन बना दीजिए। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने, हमारे पेंटिंग्स को गुफाओं की पेंटिंग्स की तरह दिखने के लिए आपको उन्हें आदिमानव के तरीके से बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, हमारे पास समुद्र की गुफाओं में पाई जाने वाली पेंटिंग्स भी हैं। इसमें बस मैंने अलग रंग यूज किए हैं, लेकिन तरीका तो बिल्कुल सेम है। अब आपकी बारी है, तो देर किस बात की, अपने अपने मनपसंद डिजाइन चूज कीजिए और उनकी पेंटिंग्स बनाइए। अगर आपके दोस्त इन्हें देखकर ना चौंके तो मैं अपना नाम बदलकर आदिमानव गौरव कर लूंगा। है ना बहुत ही शानदार तरीका। इन पेंटिंग्स की वजह से ही तो हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। मेरी आइलैंड पर भी एक गुफा है जहाँ पर मुझे कुछ ऐतिहासिक पेंटिंग्स मिली है। आप भी देखिए दोस्तों, ये कितनी शानदार आर्कियोलॉजिकल खोज है। इसे हजारों साल पहले किसी आदि नारियल अन्ना ने बनाया होगा। अब पता चला कि मैं इतना टैलेंटेड क्यों हूँ। मेरे खून में टैलेंट है, मेरा मतलब मेरी नारियल पानी में आई। गार्डनिंग पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। पौधों की देखभाल करना तो मेरा सबसे बड़ा शौक है। पौधों को पानी और सूरज की मदद से बढ़ता हुआ देखकर तो दिल खुश हो जाता है। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ मेरे फेवरेट पौधे से और उसके खास दोस्त से। देखिए, ये है एक डरावनी स्ट्रॉबेरी। ये वो कलाकृति है जिसे मैंने बनाया उन कीड़ों को डराने के लिए जो मेरे फेवरेट पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं और उनके पत्ते खाना चाहते हैं। ये पौधों को सुरक्षित रखने का अच्छा तरीका है। अब ध्यान से देखिए। एक कार्डबोर्ड पर एक स्ट्रॉबेरी का शेप बना लीजिए। इसको बड़ी और टेस्टी बनाना। अब इसे काट लीजिए। अब एक लकड़ी की डंडी लीजिए और उसे स्ट्रॉबेरी के शेप पर टेप से चिपका दीजिए। और हाँ, इसे थोड़ा मजबूती से चिपकाना ताकि ये स्ट्रॉबेरी पूरा बन जाने पर इसे पकड़े रखे। अब एक न्यूज़पेपर के छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए और उन्हें इस स्ट्रॉबेरी के शेप पर चिपका दीजिए ताकि आपकी स्ट्रॉबेरी बड़ी और भरी हुई लगे। इनको एक दूसरे के आसपास लगाइएगा, बिल्कुल ऐसे। अब इसके दूसरी तरफ भी इसी तरह पेपर से बॉल्स लगा दीजिए। परफेक्टो।
आखिर में इसके पूरे ढांचे को एक न्यूज़पेपर की पट्टी से ढक दीजिए ताकि इसका सरफेस स्मूथ दिखे। तो तैयार हो। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी बनावट अभी भी असली स्ट्रॉबेरी जैसी नहीं लग रही, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के बीज होते हैं जो कि थोड़े खुरदरे होते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे पेपर मैशे। अब ध्यान से देखिए, एक बोल में बहुत सारा पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा गम डालिए। अब एक न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और उन्हें इस मिक्सर में तब तक डुबो कर रखिए जब तक ये उसमें अच्छी तरह घुलकर गूंदे हुए आटे की तरह नरम ना हो जाए। अब उसमें से थोड़ा मिक्सचर लीजिए और उसे इस स्ट्रॉबेरी पर लगाना शुरू कीजिए। अब इसे क्ले की तरह मोल्ड करके स्ट्रॉबेरी का शेप बना लें। इसे तब तक लगाते रहिए जब तक ये पूरी तरह ढक ना जाए। बहुत अच्छे। वाह, अब हमारी इस कलाकृति का आकार तो पूरा हो गया है। लेकिन इस स्ट्रॉबेरी में अभी भी किसी चीज की कमी लग रही है। वो ये कि इसमें अभी तक स्ट्रॉबेरी के वो मनमोहक रंग नहीं है जो हमें आकर्षित करते हैं। अब जैसे ही ये स्ट्रॉबेरी सूख जाएगी, एक ब्लैक मार्कर से इसकी डिटेल्स बनाइए। मैं इसके ऊपर बनाऊंगा बड़ी सी आंखें और मेरे पौधों को खाने वाले कीड़ों को डराने के लिए बनाऊंगा बड़ा सा मुंह जिसमें होंगे ढेर सारे नुकीले दांत। अब इस स्ट्रॉबेरी को पेंट कीजिए एकदम गहरे लाल रंग से। हाँ, लेकिन उसके मुंह और डंडी को छोड़कर। इसके लिए आप एक पतला पेंट ब्रश का इस्तेमाल करिए ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ऊपर का हिस्सा होगा हरा। मैं इसमें सफेद रंग से बहुत सी चीजें बनाऊंगा, जैसे कि इसकी आंखें, इसके नुकीले दांत और सबसे आखिर में इस पूरी स्ट्रॉबेरी पर लगाऊंगा ये सफेद डॉट्स ऐसे। तो पेश है डरावनी स्ट्रॉबेरी। इसे गमले में ठीक इसी तरह गाड़ दीजिएगा। आप क्या मेरे दूसरे दोस्तों से मिलना चाहेंगे? तो लीजिए, ये है एक डरावनी मकड़ी जो दूसरे कीड़ों को स्पाइडरमैन की तरह हवा में लटका देती है ना मजेदार। अब दूसरे दोस्त की बारी, जो एक है बहुत ही बड़ा कीड़ा, ये दूसरे कीड़ों को ही खा जाता है। और मेरा तीसरा दोस्त जो है एक भूत, ये भूत दूसरे कीड़ों को डरा के ना भगा ही देता है ना मजेदार भूतनाथ। अब आप अपना मनपसंद पौधा रखवाला बनाना शुरू कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन फिगर नॉट, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए नए और अनोखे आइडियाज के साथ और ढेर सारी मस्ती के साथ। तो देखना मत भूलिए आपका फेवरेट शो जिसका नाम है आर्ट अटैक। तब तक के लिए बाय बाय।